हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक है डीबी। डीबी ब्रेकर, कौन सा ब्रेकर है, उसका क्या सेफ्टी है, क्या काम है और चेक करेगा। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा पूरा वायर, पूरा हमारा ये वायर डीबी का आ गया है। ठीक है, ये भी डीबी ड्रेसिंग का दूसरा वीडियो देगा। बस अभी डीबी के बारे में सबसे पहले जानते हैं, तो अब हम देखते हैं। ये जो हमारा ब्रेकर है ये, ठीक है, ये देखो ये ब्रेकर, ये ब्रेकर कितना एम्पियर का है कैसे पता चलेगा। देखो इधर लिखा मामू C20A, यानी ये 20 एम्पियर का ब्रेकर है और सी टाइप का ब्रेकर है। सी टाइप और ए टाइप के बारे में मैं बाद में दूसरा वीडियो पे बताएगा बाद में। अभी ये सी टाइप का ब्रेकर है, सी टाइप का ब्रेकर है, 20 एम्पियर है। ठीक है, तो अभी तो मालूम हो गया कि ब्रेकर कितना एम्पियर का ये हमारा ब्रेकर है। और ये ब्रेकर का नाम है MCB। MCB का फुल फॉर्म होता है, MCB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है इंटरव्यू में। MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारा MCB ब्रेकर हो गया। इधर से देखो, इधर से हम लोग फेज इसका लगाएगा, इसका न्यूट्रल इधर बार पे आएगा। ये न्यूट्रल का बार देखो, न्यूट्रल का बार यहाँ लिखा ना, न्यूट्रल का बार, इसका न्यूट्रल इधर कनेक्शन होगा। ये ब्रेकर पे न्यूट्रल नहीं लगता है, ब्रेकर का साथ में ये MCB ब्रेकर है। ठीक है, और ये देखो दूसरा हमारा ब्रेकर, ये ब्रेकर हमारा है RCBO ब्रेकर। RCBO ब्रेकर का मतलब है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड और ओवर प्रोटेक्ट। यानी इसका मतलब है कि MCB हमारा जो ब्रेकर है वो हमारा ब्रेकर शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से बचाता है। बचाता है। लेकिन ये हमारा जो RCBO है, RCBO ब्रेकर हमारा शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और अर्थ लीकेज से भी बचाता है। क्योंकि इसके साथ देखो, अभी देखो इस तरफ, इसके साथ देखो, ये हमारा न्यूट्रल और ये व्हाइट वाला अर्थ हमारा ये ब्रेकर के साथ में है, इसीलिए इसको RCBO ब्रेकर पड़ता है। देखो न्यूट्रल और अर्थ है ना साथ में ये ब्रेकर का, देखो RCBO ब्रेकर। और इधर भी देखो, इधर लिखा है इसका लोड ये ब्रेकर का और इसका ये न्यूट्रल। और इसका देखो एम्पियर, देखो कितना है, 32 है, 32 एम्पियर ब्रेकर का टाइप सी में बताया था। अरे देखो 240 वोल्ट। अरे जो इसका ये 30 mA है ना, mA, इसका वो सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिविटी बोलता है जिसको, वो पार्ट है कि ये मतलब कितना सेंस करके कितना पे ट्रिप कराएगा। ठीक है, और देखो MCB ब्रेकर का इधर तक है, लेकिन ये ब्रेकर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इधर से जो इसका ये है, ये है उसका MCB का सेम सेम पार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इधर से जो ये है ना, देखो ये है, ये इधर देखो ये बनाया हुआ है, ये है इसका सेंसिटिव पार्ट। ठीक है, जो ट्रिप कराता है अंदर से, जो कोई भी अर्थ लीक है कुछ भी है तो ये ट्रिप कराने का काम इधर से करता है। इसका भी देखो, ये भी बनाया है, ये हमारा RCB ब्रेकर है, RCB ये ट्रिप कराता है इसको। इधर इसका सेंसिटिव पार्ट है RCB, RCBO ब्रेकर इसको बोलता है। अभी ये ब्रेकर, और देखो ये हमारा सब ये RCBO ब्रेकर है, RCBO। और ये हमारा फिर से MCB है, MCB। देखो MCB में सिंगल फेज लगता है, लेकिन इसके साथ देखो न्यूट्रल भी लगता है इधर ही ब्रेकर का। देखो ये हमारा एक ब्रेकर, देखो ये न्यूट्रल का ऊपर है और ये फेज का है, लेकिन इसमें देखो एक ही पॉइंट है, देखो दिख रहा है इस तरफ भी, देखो सेम है। देखो MCB का बस एक ही है, जिसमें बस इसमें फेज ही लगेगा न्यूट्रल का। देखो ये MCBO ब्रेकर में देखो, ये न्यूट्रल और ये लोड, लोड यानी फेज इसका। ठीक है, तो हमारा यही हमारा डीबी है। और इसका अंदर बस बार होता है जो ब्रेकर ब्रेकर पे कनेक्शन देता है। ये हमारा मेन इनकमर ब्रेकर है, इस ब्रेकर, ये हमारा मेन इनकमर ब्रेकर, इधर केबल आता है। और ये हमारा अर्थिंग का बार है, अर्थिंग का बार है हमारा जो भी केबल के साथ, जैसे ये हमारा अर्थिंग है, ये अर्थिंग पूरा इधर कनेक्शन होगा। जो MCB ब्रेकर है उसका तो न्यूट्रल इसके साथ नहीं है, तो न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे, इस बार पे न्यूट्रल बार पे कनेक्शन होगा। और जो RCBO ब्रेकर है, RCBO ब्रेकर है, न्यूट्रल तो इसके इधर ही लगेगा, क्योंकि इसका न्यूट्रल देखो इधर से निकल के ऑलरेडी ये वायर न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल बार पे एक कनेक्शन है। ठीक है, और इसका डीबी का एक ड्रेसिंग करने के लिए इसका एक स्केड्यूल होता है,
स्केड्यूल के बारे में दूसरा वीडियो पे बताएगा। और ये हमारा देखो इतना पूरा डीबी का ये वायर आया है ट्रंकिंग से होके, ये हमारा ट्रंकिंग से होके। और इसका जो मेन कवर के लिए भी देखो ये केबल ट्रे लगा है, मेन कवर एक केबल आएगा और केबल इधर से आके ग्लैंडिंग हो गए मेन कवर में लगा है। ये थ्री फेज का है, देखो इधर थ्री फेज का है, एक दो तीन, ठीक है, ये हमारा थ्री फेज का है। ये हमारा मेन इधर मेन लगेगा और ये हमारा हो गया जो वायर लगेगा जो हमारा लोड पे जा रहा है। ये तो ये एमसीबी ब्रेकर है, ये आरसीबी ब्रेकर है। इधर क्या है 100 ये एम्पियर है, 100 एम्पियर 50 डिग्री सेल्सियस है इसका ट्रिपिंग, 100 एम्पियर का है ये, इतना एम्पियर का, क्योंकि ये मेन है ना, पूरा लोड इसका मेन इनकमर पे ही होता है, ये मेन इनकमर इसका। और यही हमारा डीबी, तो सब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। और इसका एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल के बारे में दूसरा भी बताएगा। ये व्हाइट वाला हमारा पूरा अर्थिंग है जो ये आरसीबीओ ब्रेकर के अंदर से आया है, आरसीबीओ ब्रेकर के अंदर से आया है पूरा, ये अर्थिंग बार पे कनेक्शन हुआ है। और ये हमारा ब्लैक वाला जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल इधर से होके इधर से आके ये न्यूट्रल का बार पे कनेक्शन हुआ है। हमारा मेन न्यूट्रल इनकम होगा जो मेन, वो इधर लगेगा न्यूट्रल, मेन जो आएगा मेन वो इधर लगेगा, और हमारा मेन जो अर्थिंग आएगा वो इधर लगेगा। और हमारा जो थ्री फेज है वो थ्री फेज इसका है, मेन कमर ब्रेकर का अंदर लगेगा। तो यही है आज का हमारा वीडियो टॉपिक, इसका सेंसिटिव पार्ट जो ट्रिप कराने में मदद करता है। और एक और चीज़ मेन जो मैं भूल रहा था, जैसे देखो ये हमारा देखो देखो ये टी लिखा है, टी ए टी, ठीक है, ए टी है ना, ए टी लिखा ना, एटी ये हमारा जिस टाइम इस पे लोड होगा ना, तो एटी से हम लोग क्या करता है, ब्रेकर को चेक करता है, ब्रेकर को चेक, यानी हमारा ये ब्रेकर सही है ना गलत है, हमारा ब्रेकर एटी ट्रिप होता है कि नहीं होता है, एटी से ट्रिप होता है। जिस टाइम हमारा इस पे लोड होगा, मेन इनकम आया रहेगा, इस तरफ भी हमारा लोड है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको ऑन करके बाद में एटी को क्लिक करेगा ऐसे, तो ऑटोमेटिक ट्रिप होगा, यानी हमारा ब्रेकर ये सही है। अगर ये ट्रिप नहीं होता है तो हमारा ब्रेकर सही नहीं है, इसीलिए ट्रिप का काम करवाता है कि ब्रेकर सही है या नहीं है।